खंडवा के एक युवा ने पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्डबोर्ड से रावण के 10 शीश बनाए। आमतौर पर रावण के बड़े चेहरे बनाने के लिए फाइबर का उपयोग किया जाता है, जो जलने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहां सिर्फ कार्डबोर्ड से रावण तैयार किया गया है, जो इको फ्रेंडली है। इस रावण को बनाने में कार्डबोर्ड और रद्दी का उपयोग किया गया है, जिसे वाटर कलर से रंगा जाकर छोटे रंग बिरंगी LED लाइट से सजाया गया है। इसे बनाने वाले कलाकार देवेश सोनी मिनिएचर आर्टिस्ट होने के साथ रंगोली और थर्मोकोल से भी आकर्षक चित्र बनाते रहे हैं। पहली बार उन्होंने कार्डबोर्ड और रद्दी पेपर का उपयोग कर यह कलाकृति बनाई, जिसे देखने आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो रावण बनाया उसमें कार्डबोर्ड और पेपर यूज़ किया, न्यूज़पेपर, और उसको कलर जो उसमें यूज़ करें वो एक्रेलिक कलर यूज़ करें। तो पूरा देखा जाए तो पूरा ये कार्डबोर्ड से ही बना है, कार्डबोर्ड और पेपर से। जी, पूरा कार्डबोर्ड और पेपर से बना है, तो इसमें पूरा तरीके से ये मतलब पर्यावरण के हिसाब से पूरा वो है, ठीक है। और फाइबर का जो होता है वो उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, और नेचर के लिए भी ये ठीक नहीं है। जिसमें लगभग 5 से 6 दिन लगे हैं, और खर्चा इसमें करीबन, खर्चा तो कुछ भी नहीं, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है, पेपर वगैरह हमारे घर पे अवेलेबल होता ही है, तो खर्चा तो कुछ नहीं लगा। जैसे टेप वगैरह भी बहुत इजीली मिल जाता है, कलर वगैरह भी बहुत सस्ते हैं, तो अप्रॉक्स करीबन 500-600 के करीबन इसमें खर्चा लगा। जी, संदेश तो ये देंगे कि इको फ्रेंडली तरीके से जो फेस्टिवल होते हैं मनाने चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें फेस्टिवल इंजॉय करना चाहिए। साथ में जो भी जैसे रावण है पूरा इको फ्रेंडली है, इसमें कुछ भी फाइबर वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया है।